वाले हम लोग। इसके लिए मैंने सबसे पहले चने की दाल ली हुई, एक वाटी चने की दाल को मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था, नॉर्मल पानी जो रहता है ना उसी में भिगो दिया था और अच्छे से वॉश कर लिया था। देखो आसानी से टूट रही है, मतलब दाल अच्छे से भीग चुकी है। अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, मिक्सचर जार में ले लेंगे। अच्छे से हम लोग को दरदरा सा पेस्ट करना है, फाइन पेस्ट नहीं करना है। इसके लिए हम लोग को मिक्सचर को उल्टा चलाना है, कोर्स ब्लाइंडिंग करना है। देखो अपने को इसमें डाल के लेना है, और अदरक का टुकड़ा छोटा छोटा करके लिया हुआ है मैंने, और एक मिर्ची के टुकड़े करके डाले हुए। तीखापन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, और थोड़ा सा मरी, अखा मरी रहता है ना वो डाल रही हूँ, और थोड़ा सा मैंने अखा धनिया जो रहता है ना वो डाल रही हूँ। और इन सभी चीजों को अपने को अच्छे से पीस के लेना है, दरदरा सा पीसना है, बारीक पेस्ट नहीं करना है और पानी भी नहीं डालना है। देखो आसानी से दरदरा पेस्ट रेडी हो जाएगा, आप मिक्सचर जब भी कोर्स ब्राइंडिंग करोगे ना तो। देखो अभी इसको हम लोग वाटी में निकाल के लेंगे, अच्छे से बड़े बर्तन में निकाल ले लेंगे ना। इसमें अभी अपने को थोड़े बहुत और मसाले करने, थोड़ा सा जीरा डाल दिया मैंने, और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, नमक प्रॉपर डालना, नमक कम रहेगा तो टेस्ट नहीं प्रॉपर आएगा, क्योंकि इसमें बेसिक मसाला ही पड़ने वाला है। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया यहाँ पे। और सभी चीजों को अभी अपने को क्या करना है, थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ मैं, और कोथमीर जो रहती है ना उसको अच्छे से धो के मैंने एक वाटी भर के कोथमीर डाल रही हूँ। और सभी चीजों को अपने को अच्छे से मिक्स करके लेना है। ये एक ट्रेडिशनल डिश है जो मैं बनाने जाने वाली हूँ, वो ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ना तो मसाला सब इसमें बैठ जाएगा अच्छे से, टेस्ट मस्त आता है इसका। देखो तैयार है अपना आटा, बैटर रेडी है अंदर का मटेरियल। अभी आउटसाइड लेयर के लिए मैंने एक वाटी चावल का आटा लिया हुआ है, एक वाटी डाले तो मैंने सामने एक वाटी चावल का आटा लिया हुआ है, और थोड़ी सी अजवाइन को हाथों की मदद से क्रश करके इसमें डाल दिया है, और थोड़ा सा गर्म पानी करते अपने को आटा को थोड़ा सा नमक डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक प्रॉपर डालना, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी करके अपने को मिक्सचर इसको मिक्स करके लेंगे और आटा गूंथ लेंगे। देखो पहले गर्म रहेगा पानी, एकदम गर्म है ना, इसीलिए चम्मच की मदद से अपने को मिक्स करके लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। एक साथ ज्यादा पानी डाल दिया तो क्या हो जाएगा, आटा नरम हो जाएगा और फिर अपने को बनाने जमेगा नहीं अपना नाश्ता, इसीलिए अपने को थोड़ा थोड़ा करके ऐसे पानी डालना है और आटा बांध लेना है। आटा जैसे ही बांध के हो जाएगा ना उसके बाद थोड़ा सा पानी लेना है, और पानी आटा जब भी ठंडा होगा ना उसके बाद हाथों की मदद से बांधना है आटे को, फिर थोड़ा सा तेल डाल के अपने को आटे को मसल के लेना है। देखो ऐसे ऐसे चिकना कर लेना आटे को। अभी उसमें से एक छोटा सा पेड़ा अपने को निकाल के लेना है, फिर हाथों की मदद से ऐसे गोल गोल पूरिया कैसे करते वैसे ही अपने को हाथों की मदद से ऐसे पूरी करते लेना है, छोटी सी पूरिया बना के लेनी है, और बीच में अपने को ये स्टफिंग भरना है। अपने को स्टफिंग ज्यादा भरना है जिससे इसका टेस्ट बहुत ही मस्त आता है। देखो हाथों की मदद से अच्छा खासा पतला पूरी जैसा कर लिया है, फिर ये चम्मच भर के हमने मसाला इसमें डाल दिया है, ज्यादा मसाला डालेंगे, और ये इतना जल्दी बन जाने वाला नाश्ता है, 10 मिनट में तो ये बन जाता है। 10 मिनट अपने को बॉईल करने लगेगा और 5 मिनट अपने को भरने को, मतलब 15 मिनट में तो ये नाश्ता रेडी हो जाएगा। देखो अभी इसको हम लोग भर के लेंगे अच्छे से, और फिर इसको स्टीम करके लेना है अपने को। देखो अभी अच्छे से भर के हो गया ना, और ऐसे आपको नहीं जमता तो मैं और एक तरीका बता रही हूँ, कोई भी ऐसा पार्ट ले लीजिए, उसके ऊपर पॉलीथीन बैग थैली जो रहती है ना उसको ऐसे काट के ली हुई मैंने, उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे हम लोग, ज्यादा तेल नहीं लगाना है, थोड़ा सा तेल लगा लेंगे जिससे अपना आटा इस पे चिपके ना, और फिर चावल के आटे से एक लोया बना के इसको अच्छे से अपने को बेलना नहीं है कुछ नहीं है, हाथों की मदद से पहले ऐसे फैला लेना है, और हाथों की मदद से फैला के हो जाएगा ना, कोई भी एक प्लेट ले लेनी है, सीधी प्लेट रहती है ना वो, और हाथों की मदद से इसको दबा देंगे ऐसे, और फिर ऐसे गोल गोल घुमाते जाएंगे ना तो मस्त अपनी पूरी बड़ी सी रेडी हो जाएगी। देखो और जाड़ा था तो मैंने और पतला कर लिया, हाथों की मदद से ऐसे गोल गोल घुमा के करोगे ना आसानी से पतला चावल का रोटी जैसा बन जाएगा। अभी इसका क्या करना है, छोटी छोटी पूरियां करने के लिए मैंने एक ग्लास ले ली रेड, और आसानी से निकल जाएगा, आपने ऑयल लगाया रहेगा ना बराबर इसीलिए आसानी से निकल जाएगा। ग्लास की मदद से ऐसे कट करके लेंगे छोटी छोटी पूरियां, और सेम जैसे पहले कैसे स्टफिंग भर के हमने रेडी किया, देखो कितने सारी एक साथ बन सकती है,
फटाफट बनेगा, टाइम नहीं लगेगा। और पतला भी देखो, अच्छा खासा पतला हुआ है अपना लेयर। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा स्टफिंग भर देंगे हम लोग, और हाथों की मदद से फोल्ड करके लेना है। आसानी से बन जाएगा, कोई भी बिगिनर्स भी इसको बना सकते हैं। अब चाहिए तो इसको नाश्ते में लीजिए सुबह के, या टिफिन बॉक्स में दीजिए, या फिर इवनिंग स्नैक्स में दे सकते हो, या रात के डिनर में ले सकते हो। देखो हेल्दी तो है ही, क्योंकि दाल और राइस से बन रहा है। फिर एक छल, नीचे पानी ले लिया कुकर के नीचे, ऐसा स्टीमर आपके पास रहेगा तो वो भी ले सकते हो, और उसके ऊपर छलनी रख के थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लिया है, जिससे हमारा नाश्ता छलनी पे चिपके ना। अभी अपने को इसको अच्छे से स्टीम करके लेना है, कम से कम 10 मिनट के लिए अपने को स्टीम करना है। ऐसे एक एक करके सारे के सारे रख दिए, और मीडियम फ्लेम पे अपने को इसको स्टीम करना है, हाई फ्लेम पे नहीं स्टीम करना है। मीडियम फ्लेम रख दोगे ना, और तब तक अपने को स्टीम हो रहा है, तब तक एक अपने मूली का चटनी रेडी कर रही हो। इसके साथ मूली का चटनी बहुत मस्त लगता है। ये मूली के पत्ते लिए हुए मैंने, और ये रेडिश जिसे बोलते हैं ना, वही वो मूली के आगे के टुकड़े ले लिए और पत्ते ले लिए। और इसके साथ हम लोग एक टमाटर डालेंगे। ये इतनी चटपटी सी अलग सी चटनी बनती है ना, और ये ट्रेडिशनली बनती है इसके साथ। अदरक का टुकड़ा डाल देंगे, और थोड़े लहसुन के टुकड़े डाल देंगे, चार कली लहसुन जो है ना वो मैंने इसमें डाल दी हुई है, और थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डाल के हो जाएगा ना, उसके बाद अपने को अभी इसमें थोड़ा सा जीरा जो रहता है ना, अखा जीरा सादा, वो डाल रही हूँ मैं, और स्वाद अनुसार नमक डालना है, मिर्ची डाल रही हूँ मैं, और सभी चीजों को अच्छे से पीस के लेना है। और फिर अभी अपने को कोथमीर डालनी है, पीस के, एक बार पीस के हो गया ना, उसके बाद कोथमीर और अपने को बर्फ के टुकड़े डालने, जिससे इसका ग्रीन कलर ऐसा का ऐसा रहेगा। देखो कितना मस्त ग्रीन कलर आया ना। चटनी हमारी रेडी है मूली की, तब तक हमारा वो नाश्ता भी स्टीम हो चुका है। अभी ये नाश्ते को चेक कर लेंगे, पहले चाकू की मदद से ऐसे डाल के देखना है, चाकू पे चिपकेगा नहीं नाश्ता, मतलब अच्छे से स्टीम हो चुका है। देखो नहीं चिपक रहा है ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, दाल चिपक के रहेगी तो नहीं चिपक रहा है, मतलब हमारा नाश्ता अच्छे से रेडी हो गया है। अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, चाहिए तो आप ऐसे स्टीम किया हुआ भी खा सकते हो, गरम गरम भी मस्त लगता है, या फिर एक तड़का लगा देंगे। थोड़े से तेल रख दिया मैंने, उसमें थोड़े से राई के दाने डाल दिए, और राई के दाने डाल के हो जाएगा ना। फिर एक एक करके सारे के सारे पिट्ठा मैंने इसमें रख दिए, और इतना बेहतरीन नाश्ता कम ऑयल में बन के रेडी हो जाता है ना, आप कभी भी इसको ले सकते हो, और मस्त लगेगा। हेल्दी टेस्टी ऑप्शन है, डाइट वाला भी इवन खा सकता है देखिए, और बीमार आदमी को भी आप दे सकते हो, क्योंकि इतना तेल नहीं है, दूसरा कुछ भी नहीं है, चावल और दाल से बना हुआ ये नाश्ता है। देखो ये अच्छे से मिक्स करके हो जाएगा ना ऐसे, आप चाहिए तो स्टीम वाला भी खा सकते हो, मगर इससे थोड़ा टेस्ट और बढ़ जाएगा, इसीलिए एक छोटा सा तड़का लगा लियो मैं। और ऐसे मिक्स करके लेंगे, और देखो टोस्ट करना है, हाथों में जैसे ऐसे गोल गोल कर ऐसे घुमाओगे ना तो आसानी से हो जाएगा, सब में राई का तड़का लग जाए इसीलिए। अभी अपने को इसमें क्या करना है, थोड़ी सी कोथमीर डालनी है। और एक बात, आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। थोड़ी सी कोथमीर डाल देंगे, और साथ में मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक जो रहता है ना वो डाल रही हूँ। आप चाहिए तो इसमें और मिर्ची के टुकड़े भी डाल सकते हो, तीखापन आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिए। मैं कैसे थोड़ा कम तीखा खाने का दे रही हूँ ना, मेरे बच्चे के लिए भी बना रही हूँ ना, इसीलिए मैंने थोड़ा कम चिली फ्लेक डाला है। देखो हमारा नाश्ता दिखने में जितना मस्त है ना, खाने में उससे भी ज्यादा टेस्टी है।